अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्विक स्टार्ट ऐप्स जी। तो आज हम देखेंगे कि हम व्हाट्सएप वीडियो स्टेटस ऐप कैसे बना सकते हैं जिसमें हम डाउनलोड और शेयर का ऑप्शन लगा सकें, मतलब कि इसमें आप स्टेटस को डाउनलोड भी कर सकें और ऐप के अंदर से ही स्टेटस को आप जो है सोशल मीडिया पर कहीं भी शेयर भी उसको कर सकें। तो चलिए ओपन करते हैं ऐप डेमो की, सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम इसके कंप्यूटर सिम में जाकर आपको ब्लॉक पार्ट बताऊँगा इसका फर्दर, आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर भी। सो यहाँ पे देखें जी, एक लिस्ट है, ठीक है, इसमें फिलहाल कुछ स्टेटस मैंने डाले हैं और ये जो है क्लाउडनरी में सेव है, ठीक है। आप क्लाउडनरी के अलावा अगर आपके पास कोई वेबसाइट है सो आप उसमें भी ये अपना डाटा जो स्टोर कर सकते हैं। सो मेरे पास क्लाउडनरी फ्री में थी सो मैंने उसके ऐड कर लिया और इसको जो है मैंने एयरटेल के साथ लिंक कर लिया। अब इस प्ले में क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ ऊपर ये प्ले हो जाएगी वीडियो, इसको मैं रोक लूँगा ताकि कॉपीराइट ना आए वीडियो पे। सो यहाँ पे देखें जी, ऊपर एक प्लेयर है, ठीक है, यहाँ स्टेटस प्लेयर हमारा प्ले होगा, वीडियो प्ले होगी। नीचे उसके बाद आप देखें दो बटन है, डाउनलोड स्टेटस और शेयर स्टेटस। इसके नीचे आपको एक वीडियो नज़र आ जाएगी, सॉरी प्लेलिस्ट है वीडियो वाली, वही सेम, ताकि यूज़र को बार बार बैक ना जाना पड़े। सो यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार भी चलती हुई नज़र आ रही है। सो ये 57 सेकंड्स की वीडियो है, सो इसे थोड़ा सा टाइम लेगी और ये डिपेंड भी करता है आपके इंटरनेट पे और जो है आपके वीडियो साइज़ पे। सो ये देखिए अभी डाउनलोड हो गई है, डाउनलोडेड आपको नोटिफिकेशन भी आ गया और यहाँ पे भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर नज़र आएगी। इसको आप प्ले कर लें यहाँ से, इसको मैं फिर रोक लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए वीडियो डाउनलोड होकर आपके पास आ गई है और इसके जो है बैक जाता हूँ मैं यहाँ से और ये देखें अब शेयर स्टेटस। फॉर एग्जांपल मैं कोई छोटी वीडियो प्ले करता हूँ ये वाली ताकि जल्दी से ये हो जाए। सो इसको ये 26 सेकंड के हमारे पास है, इसको मैं करता हूँ शेयर स्टेटस पे क्लिक। सो देखें ऐड भी शो हो रहा है शेयर स्टेटस पे, उनके बाद भी प्रोग्रेस बार शुरू शो होगी और ये देखें जैसी डाउनलोड हुई तो अब जो ये जो है यहाँ पर आपकी पॉपअप शेयर जो है बाहर आ गई है। अब मैं यहाँ से इसको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ यहाँ से अपने ही दूसरे नंबर पे। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो भी और साथ उसका जो टाइटल था वो भी साथ ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें वीडियो के साथ टाइटल भी आपका यहाँ पे शेयर हो जाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, शायद इंटरनेट स्लो है मेरा इसको वीडियो को सेंड करने में। तो इस तरह से जो आप व्हाट्सएप के अलावा किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी ऐप पे आप इसी तरह से शेयर करेंगे तो साथ जो टाइटल है उसके साथ वीडियो जो है वो सेंड हो जाएगी। सो ये देखें वीडियो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे सेंड होगी, सिर्फ प्रोसेसिंग कर रही है अभी। सो ये देखें यहाँ पे वीडियो सेंड होगी और यहाँ पे ये मुझे रिसीव भी हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम दोबारा अपनी ऐप में आ जाते हैं। सो इसमें देखें एक चीज़ और आप नोट करें कि यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे। सो यहाँ पे दो क्लिक्स होने के बाद जो आपका एक इंटीशियल ऐड शो होगा और नीचे यहाँ बैनर ऐड शो होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से शेयर पे क्लिक करता हूँ, ये देखें डबल दूसरा जब क्लिक हुआ तो ये यहाँ शो हो गया। सो ये सब कुछ आपको जो है मैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और वहाँ बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इसमें ऐड इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप ऐड मोव की पॉलिसी के अगेंस्ट ना जाएँ। सो सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जी। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। सो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि देखें कि यहाँ पे एक सेल्फ प्ले स्क्रीन है, यहाँ मैंने ये इमेज ली हुई और नीचे जो है एक लीनियर प्रोग्रेस बार है, इसको जो मैंने कलर यहाँ पे वाइट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और ऊपर ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट है सिंपल सी। इसमें मैंने एक क्लॉक लिया है सप्लाई स्क्रीन के लिए और 3 सेकेंड्स के बाद जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्लॉक लगाया गया, ठीक है। सो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन 2 पे। सो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आपको शो हो रहा था, यहाँ पे आने के बाद आपको इस वाली लेआउट में जो है एक लिस्ट व्यू शो हो रही थी वीडियोस की, ठीक है। इसमें क्वालिटी लिस्ट व्यू को मैंने यूज़ किया, ये एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं, और एक जो है यहाँ पे क्रिएटर वेब व्यू की एक्सटेंशन मैंने यूज़ किया वीडियो को प्ले करने के लिए, ठीक है। सो आप इसको वीडियो प्लेयर में भी प्ले करवा सकते हैं या इसको वेब व्यू में भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रेडशीट मैंने लिया है, ठीक है, और शेयरिंग कंपोनेंट है मेरे पास, डाउनलोड कंपोनेंट लिए हैं मैंने, सिर्फ फ़िलहाल यही है, ठीक है। इसमें पहुँच जाने से पहले हम चलते हैं यहाँ पे क्लाउडनरी में।
सो यहाँ पे क्लाउडनरी में देखें, मैंने यहाँ पे 5 से 6 वीडियोज़ जो यूट्यूब से डाउनलोड करके यहाँ पे जो मैंने इनको अपलोड किया है, ठीक है, और इसी में से थंबनेल लेके, ये थंबनेल्स मेरे जो हैं ये सारे यहाँ पे सेव हुए हैं, और यहाँ से जो लिंक कॉपी करके सिंपल जो है मैंने यहाँ से इसको ए टेबल में पेस्ट किया। ए टेबल देखिए आप, इसमें सिर्फ सिंपल 3 कॉलम्स हैं, पहला वीडियो का यूआरएल का है, दूसरा टाइटल है उसका, और तीसरा जो है इमेज चैन के थंबनेल का टाइटल है, और ये लास्ट वाला जो है इसको सॉर्ट किया हुआ ताकि जो भी लास्ट अपडेट हो वो सबसे और टॉप पे आ जाए। सो अब चलते हैं हम अपनी ब्लॉग्स पार्ट की तरफ, के ब्लॉग्स में आपने क्या करना है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर चलते हैं, इसमें मैंने आपको ज़्यादा नहीं बता सकूंगा क्योंकि ये क्वालिटी लिस्ट भी इसमें यूज़ की गई है जो कि मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है। सो देखें यहाँ पे पहले इंटरनेट चेक कर, इंटरनेट लेने के बाद यहाँ पे ये गेट कॉलम करेगा और ये वेरिएबल्स हैं इनमें जो इनकी वैल्यूज़ को स्टोर करना स्टार्ट करेगा, और फिर ये एक जो लूप चलाएगा, लूप चलाने के बाद जो है आपके डाटा को यहाँ पे इस लिस्ट में शो कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जब क्लिक होगा तो यहाँ पे ये 1 TB इसमें आपके डाटा को यूआरएल को स्टोर कर रही है, ठीक है। यूआरएल ये कौन सा स्टोर करेगा, ये यूआरएल इस लिस्ट से लेगा जो कि इसमें स्टोर हुआ है, और एलिमेंट इंडेक्स जो इस लिस्ट ने देना है वही जो ये है यहाँ पे पिक करेगा वही इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे मेरे पास आपको अगर मैं दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे 2 लेआउट्स हैं एक ही स्क्रीन पे, ठीक है। और ये देखें, ये जो एक है ये लिस्ट वाला है, इसको मैं इनविजिबल कर देता हूँ, और एक जो है ये प्लेयर स्क्रीन है मेरे पास। सो ये इस पे एक अलग से फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रीन अरेंजमेंट है, सॉरी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, फिर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसमें 2 बटन दिए गए हैं और एक वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट है जो कि दोबारा से यहाँ पर आपको एक लिस्ट शो कर रहा था। सो ब्लॉक्स में यहाँ पर दोबारा हम चलते हैं, यहाँ पे आप देखें जब इस पे फर्स्ट लिस्ट पे क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, लिस्ट स्क्रीन जो उसको फॉल्स कर देगा और प्लेयर स्क्रीन को विजिबल करेगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से ये यहाँ पे ऊपर आप देखें तो ये सिर्फ यहाँ पे हमने 3 जो है सेपरेट शीट यूज़ की हैं यहाँ से डाटा लेने के लिए, ठीक है। और जो 4 वाली ली है वो दोबारा से हमने इसलिए ली है ताकि ये दोबारा से हम इसका लूप चला सकें जो कि वीडियो प्लेयर के नीचे लिस्ट शो हो रही थी उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर डाटा शो करवा सकें। तो यहाँ पर दोबारा से गेट किया गया है कॉलम, और कॉलम करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमने यूआरएल को स्टोर किया था 1 TB में, तो हमने इसको जो है यहाँ पे एक्सटेंशन दी हुई है, इसको हमने यहाँ पे प्ले करवा दिया यूआरएल को, ठीक है। और जो नीचे दोबारा फिर से लूप चल गया और दूसरी लिस्ट शो होगी। अब यहाँ पे एक लेबल लिया, ये लेबल हाइडन है, इसको भी हमने जो वैल्यू 10 DB इसमें 10 DB में स्टोर की थी वही हम इसको भी सेट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद इसका भी बताता हूँ। ये देखें जब इस पर क्लिक हो रहा है तो ये सेकंड जब लिस्ट पे क्लिक हो रहा है तो ये उसी तरह इंडेक्स लेके दोबारा से वीडियो को प्ले कर रहा है। अब जो मैंने लेवल 1 को यहाँ पे दिया हुआ है, सो ये देखें जी यहाँ पे जब डाउनलोड बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे आप देखें ये आप लीनियर प्रोग्रेस बार को ट्रू करेगा, नोटिफायर शो करेगा, उसके बाद डाउनलोड से फाइल है यहाँ पे इसको जो है नेम देगा, आप यहाँ कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेगा, डाउनलोड यूआरएल, यूआरएल कौन सा जो मैंने लेवल 1 को यहाँ पे सेट किया था, ठीक है। ये किसी भी कोई भी जिस वीडियो पर क्लिक करेंगे वही जो है उसमें 10 DB में स्टोर होगा और वही जो लेवल 1 पे चला जाएगा, और ये यहाँ से ऑटोमेटिकली वही करंट जो यूआरएल होगा वो वहाँ से ले लेगा। डाउनलोड होने के बाद क्या करेगा, ये आपको एक नोटिफायर यहाँ पे शो करेगा डाउनलोडेड। इस तरह जब शेयर बटन पर क्लिक होगा तो भी सेम प्रोसीजर इसी तरह से डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद क्या करेगा, ये आपको शेयर फाइल विद मैसेज जो फाइल डाउनलोड की वो देगा, और यहाँ पे जो है आपको टाइटल वीडियो का लेके साथ वो भी आपको सेंड करवा देगा। सो ये थी आज की वीडियो और थोड़ा सा ट्यूटोरियल, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आए तो जो आपको कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नई वीडियो आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।